देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के गांव रुखी व छिछड़ाना से सामने आ रही है, जहां पर तीन दिन से जो किसानों के खेतों में जो जल भराव था उसकी निकासी न होने के चलते किसान जो है काफी परेशान हो रहे हैं लगातार। और बता दें कि परसों हमने खबर चलाई, उसके बाद SDM जो है वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने दावा किया गया कि चार घंटे के अंदर अंदर जो है इस पानी को निकालने का काम किया जाएगा, लेकिन उस पर भी कोई भी अधिकारियों पर जो नहीं लगी। उसके बाद जो है गोहाना बरोदा से विधायक इंदुराज नरवाल जो है आज मौके पर पहुंचे और किसानों का दुख भी जाना, और उन्होंने खुद वहां खड़े होकर SDM को फ़ोन किया और SDM को कहा कि जब तक यहां पर मोटरें नहीं लगती मैं यहां पर बैठा रहूंगा। लेकिन जो है SDM ने आश्वासन दिया कि शाम तक पानी की निकासी का प्रबंध हो जाएगा, लेकिन वहां पर जो मोटरें हैं वो पहुंच जाती है, विधायक के होते हुए वहां मोटर पहुंच जाती है। लेकिन किसानों के द्वारा बताया गया कि जैसे ही विधायक जी वहां से दूसरे गांव की तरफ गए तो तुरंत जो है वहां से जो अधिकारी पहुंचे थे वह उन मोटरों को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने अधिकारियों को शाम 6 बजे तक का समय दिया कि या तो हमारा जो है जो पानी है उसकी निकासी शुरू कर दी जाए, नहीं तो फिर हम बड़ा ऐलान करेंगे। अब जो है किसानों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि कल यानी कल जो है कल सुबह गोहाना रोहतक जो नेशनल हाईवे है उसको जाम करने की चेतावनी दे दी गई है। और यह जानकारी जो है गांव के किसानों के द्वारा दी गई है और कहा गया है कि हम जो है प्रशासन को पूरा समय दे चुके हैं, विधायक आए थे उसके बाद भी जो अधिकारी हैं उनकी कानों पर जूं नहीं रेंगी, तो अब जो है हमने किसान यूनियन से बात कर ली गई है, आसपास के गांव के लोगों से बात कर ली गई है, अब जो है फाइनली जो है कल जो है रोहतक गोहाना रोहतक रोड पर जो है गांव रुखी पर जो चौक है वहां पर जाम लगाने का काम किया जाएगा। और आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुँचे कि कल गोहाना रोहतक रोड पर छिछड़ाना और रुखी गांव के साथ जो है किसान यूनियन भी रोड जाम करेगी। भाई साहब मीडिया को बुलाया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए भाई साहब, पानी चढ़ने का 15 दिन पहले हमने महकमे को भी सूचित कर दिया था, 4-5 चक्र SDM दफ्तर के, एक्शन दफ्तर, नहर महकमा, बिजली सबके पास हम जा चुके थे। और आप देखो लगातार 4 साल से हमारी फसलें खराब हो रही है, लगभग प्रशासन वही है, सभी को पता है तलब क्या और यहाँ कासिन का पानी निकलेगा, लेकिन किसानों की एक दुगदगी बना रखी है। बिजली महकमा हमको नहर महकमे पास भेजता है, कहीं मोटर नहीं मिल रही, कहीं तार नहीं है, कहीं स्टेटर नहीं है। और जब SDM साहब से हमें एक आशा करते थे लगातार, उसने कही थी भाई साहब आपको सब कुछ मिलेगा, आप शांति करो थोड़ी, लगातार 4 दिन से आप देख रहे हो सिर्फ एक मोटर गाँव की अब तक चली है और रुखी गाँव की 2 मोटर है जो अब तक ही चल रही। आप देख लो 4 दिन में सिर्फ एक मोटर हमारे हमारे गांव की चली है, रुखी की वो मोटर हालात आप भी देख रहे हो लगातार वही हैं। इनको कभी बिजली की वो ओड्डा लेते हैं, एक बार ट्रांसफार्मर नहीं आया, कभी ये कहते हैं मोटर नहीं मिली। आज आप सुबह देखो भालू, जैसे MLA भालू आया या मोटर आई थी इसी जगह पे हम फिर खड़े हैं, जैसे ही भालू यहाँ से गेड़ा मार के चला वो मोटर का पता नहीं कहाँ गई, हम बार बार उनसे रोक दे रहे भाई हमारी मोटर आई है, हमारी मोटर बंद ले दो, महकमा फिर उसको मोटर को उठा लेगा। तो ये तो आज आप सुबह भी आए थे और अब भी आए थे, इसीलिए आपको मौका बुलाया है कल SDM साहब या कोई ये ना कह दे वहां पानी सुचारू रूप से निकल रहा है। आपके सामने वहां जगह था देख लो, पाइप वही था, वही मोटर उतरी और मोटर उतर कर चली गई। आप ट्रांसफार्मर के हालात देख लो, वही खंबे खड़े हैं जब किसी बतार पर लिया होता है, यानी कि हमने आज दखी होता ना रोड जाम की काल दी है। सुबह हमारी जितनी भी किसान यूनियन की हमारी सोनीपत की टीम वो पहुंचेगी, सबसे हमने बात कर ली है, आज अशोक लठवाल और हमारे सत्यवान प्रधान जी और अपने पहल साहब है सभी से बात की है। इससे पहले हमने रुखी गांव के किसानों से बात की, अपने गांव के किसानों से बात की, सभी ने एक मत ये बनाया है भाई 4 दिन हो गए जब धारी कोई नहीं सुन रहा, तो तुरंत प्रभाव से कल हम 8 बजे रोड जाम करेंगे। कौन सा रोड जाम करेंगे? ये जो रोहतक से गोहाना हाईवे आता है और ये जो चौक है चारों गाँव दोनों गाँव का, इसको हम जाम करेंगे सुबह 8 बजे। रुखी जी जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण मलिक। तो मलिक साहब क्या कहना है, वो आपके जो खेत में पानी का उतराव नहीं हो पा रहा है? किसान काफी परेशान हो चुके हैं, कई दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं,
कल तो एसडीएम साहब स्पेशल सभी महकमे डिपार्टमेंट के एसडीओ आ रहे थे, सभी को स्पेशल जे थे एसडीओ, सभी को स्पेशल कह गए थे मैं 4 बजे फिर आऊँगा, 4 बजे तक मोटर चलनी सही है। उसके बाद भी कुछ नहीं होया, एक मोटर आया छिछड़ाना गाँव में, एक मोटर चालू हुई, वो भी चालू नहीं हुई, रख के चले गए। जमींदार ने जिसके खेत में रखी है उस जमींदार ने खुद अपने आप 8 बजे अपने आप चलाई है। उसका भी मोटर तो सुबह भी आई थी, सुबह आई थी मोटर, वो हमें पता नहीं, जो विधायक था हमारे विरोधा हल्का का इंदुराज नरवाल जी, उसने कह के बुलाई थी या डिपार्टमेंट अपने आप लिया था, वो मोटर आ गई थी उसके आते ही, फिर वो जाता जैसे जैसे विधायक जाता है मोटर भी साथ चली जाती। ये मतलब ज्यादा परेशान हो रहे हैं, पानी आपको आपको भी आते हुए 3 दिन हो लिए हैं देखते हुए, यही एरिया जहाँ पर वो 3 ट्रैक्टर डूबे हुए थे। कहने का मतलब ये न तो एसडीएम की अधिकारी मान रहे, न विधायक मान रहे, किसी के भी नहीं मान रहे, और हम ये भी नहीं मान रहे। हम अपने आप को आम किसान हैं, हम किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, जब हमें अपने आप को ये मानिए, जब हमारे काम भी नहीं करते, जैसे हमारे ये चेयरमैन हैं भगत सिंह जी, इसकी भी हैं, हम हैं, हमारी भी नहीं मान रहे, तो आम किसान की क्या हालत होगी। जब हमें सभी अधिकारियों का नाम का पता है, हम अधिकारियों का पद का पता है, हमें जब हमारे काम नहीं हो रहे तो आम किसान का क्या हाल होगा। इसके मतलब उसको देखते हुए हम ये मजबूरी में कदम उठा रहे हैं, और हमें कोई शौक नहीं है, अगर हमने कह दिया आज परेशानी हुई है कि हम आज ही ये मजबूरी में कदम उठा रहे हैं, नहीं, हमें 4 दिन चक्कर लगाते हुए, कल एसडीएम के साथ पूरा प्रशासन था, आज विधायक जी आए थे, विधायक जी ने भी बोल दिया था मैं यही हूँ, विधायक जी ने भी और गाँव में से कॉल आ गई, और गाँव में पानी जा रहा था, उसकी भी मजबूरी हो तो चले गए, जैसे जाते हैं जैसे मोटर भी साथ में चली जाती है। तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही है जो चेयरमैन साहब ने बताया, हम इसके साथ हैं, जो रुखी रोड जो जाम करने की कॉल है, कल सुबह किस टाइम? 8 बजे का रुखी जाम कर रहे हैं, रुखी जाम नेशनल हाईवे। हाँ, नेशनल हाईवे। भाई साहब क्या नाम है? सोनू नाम है भाई साहब। गांव में पानी भरा हुआ है खेतों में? ये 200 किले हमारे, 200-300 किलो है, रुखी गाँव के छड़ाने के 3 साल से यही प्रॉब्लम चल रही है, कोई मतलब सुनाई नहीं हो रही, आए साल ऐसे ही पानी भर जाता है, ना कोई मोटर मिल रही, ना ही कोई बिजली का कनेक्शन, कोई भी मतलब सरकार की उससे कोई भी समाधान नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा आए साल नहीं गेहूं बोते हैं, नहीं कभी दो हो जाए धान की फसल चली जाती है। तो अभी क्या फैसला लिया? अभी यही फैसला लिया है, कल 8 बजे रुखी बाईपास पर जाम करेंगे। जाम करेंगे? हाँ जी, 8 बजे। जी क्या नाम है आपका? संदीप, BKU किसान यूनियन गुरनाम सिंह चौधरी। तो पानी की निकासी नहीं हो रही है भाई, अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, विधायक भी पहुंचे हैं, तो अब क्या फैसला लिया जा रहा है? देखो आज सवेरे विधायक जी आए हुए थे बुरदल कैसे इंदुराज बालू, जब सारे अधिकारी आए हुए थे उसके उनको जाने के बाद सारे अधिकारी वापस चले गए, यहाँ पर मौका भी एक ही नहीं रुका, वो बोल रहे थे ट्रांसफार्म रख देंगे, यहाँ से मेरे ट्रांसफार्म उतारा मोटर उतारी आपके सामने है, यहाँ उन्होंने कुछ नहीं लगा के गए, वो वापस ले गए अपना सामान में। और ये पिछले 4-5 साल से हमारे साथ बन रही है, इस एरिए में 300-400 किले हैं, आप देख लो आज सब कुछ जलमग्न हो रहा है, ना तो गेहूँ की बुआई होती टाइम पे, अब देख लो ये एक एक किले के साथ एक एक एकड़ के साथ हमने 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा कर लिया, और ये आप देख लो हमारे हालात कैसे हो रहे हैं। और हम सरकार से कल 8 बजे हम GT रोड जाम करांगे, पानीपत से जो रोहतक रोड है जो इस पर रुखी चौक पे 8 बजे, हमारी मांग ये है सबसे पहले DC सोनीपत DC साहब यहाँ आओ, मौके पर एक बार देखें, अधिकारियों को टाइट करें और हमारा जो पानी का जल्दी से जल्दी समाधान करवाएं। क्या नाम? संदीप।